तो पता नहीं भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई हुई तो मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, अगली वीडियो होगी छोटी होगी तो मैं उसी में डाल दूंगा। तो अब यहाँ से हमको जाना है भाई बस स्टेशन, क्योंकि नार्विक हमारी आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है, हमको इससे भी ज़्यादा नॉर्थ में जाना है जो कि जिसका नाम है ट्रोम्सो। तो बस है मेरी 1:10 की और फिर उसके बाद बस है 3:10 पे। ये थी अपनी ट्रेन जिससे मैं आया और बस स्टेशन है यहाँ से कुछ 900 मीटर गूगल मैप्स के हिसाब से, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। और मेन दिक्कत ये नहीं है बस मिलना ना मिलना, ये दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत ये है कि मैंने ट्रोम्सो में कुछ भी बुक नहीं कर रखा, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे जो सबसे सस्ता अपार्टमेंट आ रहा है, मतलब अपार्टमेंट नहीं सॉरी बंक बेड, मतलब हॉस्टल का बंक बेड, वो आ रहा है 80-90 यूरो। और मेरे को बस सोना है आज रात और कल निकलना, मतलब बस भी 4 घंटे लगाएगी, 1 बजने वाला है, 5 बजे पहुँचूँगा मैं, और सुबह सुबह 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है तो एयरपोर्ट भी 6 बजे पहुँचना पड़ेगा। तो मतलब इतनी सी देर के लिए यार मैं क्यों दूँ, मतलब 90 यूरो मैं दे देता हूँ यार, महंगे महंगे में रुके हम, ऐसी बात नहीं, महंगे महंगे हॉस्टल्स में 50 यूरो 55 यूरो ऐसे, पर यार ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा ना। तो ये है भाई नार्विक टाउन, वो देखो ऊपर स्कीइंग का भी है शायद, तो यहाँ पे भी ये है पेडिशन, कितनी नॉर्थ में आ गए हम, कुछ ऐसा छोटा सा टाउन है। और अभी तो यहाँ सर्दी मेरे को भाई बिल्कुल नहीं लग रही, क्योंकि -4-5 ही हो रहा है, वो तो अपना झेल ही लेते हैं, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, ये बेटर है। ये आ गया भाई बस स्टेशन, यहाँ से मिलेगी हमको कहीं से बस, 100 नंबर वाली लेनी है, अभी तो आधा घंटा पड़ा है पर फिर भी जल्दी पता कर लेते हैं। भाई बस में टॉयलेट भी है और स्मोक डिटेक्टर भी लगा रखे हैं, देखो है तो छोटी सी पर सफिशियंट है बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल साफ सुथरी यार, मज़ा आ गया भाई। कितनी मस्त बस है, आपको दिखाऊँ मैं, तो देखो भाई फुल कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है हम जा रहे हैं 100 नंबर बस में ट्रोम्सो, ये पहले का दिखा रखा है। हम चलेंगे भाई ऊपर बैठेंगे हम तो, नज़ारा लेंगे। भाई इस बस में एक रूल हो रहा है कि अगर मतलब आप टिकट कटवाते हो तो दो तरह की होती हैं, दो नहीं तीन होंगी मेरे हिसाब से, एक अडल्ट की जो 29 साल से ऊपर हैं, और एक है यंग अडल्ट मतलब जो 29 साल से नीचे हैं, और एक बच्चों की होगी। तो बड़े लोगों की है 390 की और मेरी कटी है 293 की, जो कि बनता है 2400 रुपये 4 घंटे की बस की राइड के, तो नॉर्वे बहुत महंगा है अगर आप बसेज वगैरह ले रहे हो, ट्रेन नहीं जाती वहाँ तक, वरना मैं ट्रेन ही ले लेता। तो अब मेन दिक्कत ये है यार, मैं कहाँ जाके रुकूँगा ट्रोम्सो में, कुछ भी बुक नहीं किया यार, इतना महंगा 90 यूरो यार क्या मतलब है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है, वरना एयरपोर्ट पर सो जाऊँगा मैं, बाहर निकालेंगे तो कह दूंगा भाई कहाँ जाऊंगा, तुम मेरे को सर्दी में मारना चाहते हो। यहाँ टांग दे भाई जैकेट, बैग एक तो नीचे रख दिया, और कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा हमको। वैसे भाई मैं बताऊँ सच में तो 1:57 में नार्विक में सनसेट हो जाता है और 1:28 पे ट्रोम्सो में, तो क्या ही बचेगा देखने को, पर हाँ सनसेट के आधा पौना घंटे बाद तक ठीक ठाक रोशनी रहती है। अपनी बस खड़ी हो गई, 15 मिनट का स्टॉप दिया है और मेरे को ना प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ पानी की बोतल तो ले ही आऊँ, 2 घंटे की जर्नी और है। और थोड़ा अपडेट भाई, रहने पे आप सोच रहे हो कहाँ रहेगा, मैंने सोच लिया था भाई कि एयरपोर्ट पे जाके रहूँगा, तो फिर क्या हुआ मैंने सोचा इंडियन रेस्टोरेंट सर्च करते हैं। भाई दो दो इंडियन रेस्टोरेंट है ट्रोम्सो में,
पर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मतलब स्विट्ज़रलैंड के रेट से आप कंपेयर कर सकते हो उतने महंगे हैं। पर मैंने यार कल शाम से इतना कुछ खाया नहीं है, तो मैंने सोचा चलो खा लेंगे, क्योंकि कल सुबह तक मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, स्वालबाड़ पहुँच के ही फिर मिलेगा कुछ खाने, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो यार मतलब खाना तो मिल जाता है यार, बर्गर मफिन क्रोसों ये सब फालतू फंड की चीज़ खा सकते हो, पर पेट नहीं भरता यार उस चीज़ से। तो अभी काउच सर्फिंग मैंने डिलीट कर दी थी ऐप, क्योंकि मैं करता नहीं था, पर अब भाई इतना महंगा है तो मैंने कहा ऐप इंस्टॉल करता हूँ। और मैंने 18 जनवरी को मैसेज किया था एक काउच सर्फर को कि भाई मैं आ रहा हूँ, मतलब मेरे को इंडियन नहीं पाकिस्तानी लग रहा था बंदा, बिलाल नाम था, और एक था इंडियन बंदा, मैंने दोनों को मैसेज किया था। अब बिलाल भाई का ही रिप्लाई आया अभी तो कि आप आ सकते हो, पर अभी तक व्हाट्सएप नंबर भेजा नहीं है उन्होंने, तो वो आएगा तभी कन्फर्म हो पाएगा। तो पहले चलेंगे इंडियन रेस्टोरेंट, खाना खाएंगे, और फिर देखते हैं अगर बिलाल भाई का मैसेज आ गया तो वहाँ चलेंगे, वरना एयरपोर्ट चल के सोएंगे। अभी मैं पानी ख़रीद लूँ, बड़ा महंगा पड़ेगा यहाँ पे आपको पानी भी लेना। पानी था आधा लीटर 36 नॉक का, 36 × 8 कर लो आप कितना होता है, मतलब 40 × 8 ही कर लो, क्योंकि 36 के ऊपर 2 लगता है पैंट। पैंट वही मैंने स्वीडन में भी बताया था और डेनमार्क में भी, पैंट क्या है ये, इस बोतल की कीमत, अगर आप ये बोतल वापस दोगे तो आपको मतलब 2 पैंट मेरे को 2 करोना मेरे को वापस मिल जाएंगे। अबे बस कहाँ गई बोरी। तो ये इनका सिस्टम, मेरे हिसाब से तो यार प्राइस में ही ऐड कर देना चाहिए, आप ये बता के कर रहे हो ये थोड़ा पता नहीं क्या है ये, चलो छोड़ो। क्योंकि जैसे वहाँ पे था क्रोएशिया में, वहाँ पे भी पैंट का सिस्टम था, पर आपके प्राइस में एडेड नहीं था वो, आप बॉटल डालोगे तो आपको वापस मिल जाता था। चलो कोई नहीं, 35-37 की ये फूस्टी पड़ी भाई आधा लीटर, मैंने कहा पानी छोड़ो, पानी रेस्टोरेंट में पी लेंगे, अब प्यास तो इससे ही बुझी जाएगी, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे तो सही है। यहाँ पहुँच गए हैं ट्रोम्सो स्टेशन पे, और अब देखते हैं क्या करना है, पहले तो खाना खा लूँ फिर सही लगेगा, पहले टॉयलेट फिर खाना। भाई ये है यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट के रेट, ये सस्ते वाला, एक इससे महंगे वाला भी है। तो इसका प्राइस है दाल फ्राई 205, सबसे सस्ता है, दाल फ्राई के साथ राइस भी आते हैं, हम देखते हैं उसमें पेट भरता है नहीं भरता। और भाई अभी तो देखो ये रेस्टोरेंट खाली है, ठीक है, पर मेरे से वो बोली कि मैं टेबल खाली कर रही हूँ, पर आपको 7 बजे तक खाली करनी है टेबल, क्योंकि उसके बाद हमारी रिजर्वेशन है, सारी टेबलें भर जाएंगी। तो भाई इतना डिमांड, मतलब क्या ही चल रहा है, क्या ही चल रहा है। तो ये आया भाई दाल और राइस, मैं तो खा भी गया, दे तो एक बंदे के लिए सफिशियंट है, 205 के हिसाब से पड़ेगा 1700 का, तो मतलब मान सकते हो 20 यूरो के करीब। तो भाई खाना मैंने खा लिया है, और पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है, बिल आया 205 का जो मतलब ऑर्डर किया था। और भाई इतना अच्छी रेस्टोरेंट वाली लड़की भाई, वो मतलब सारे ही अच्छे थे रेस्टोरेंट में, कि भाई आपके चावल ख़त्म हो गए, दाल बचे, मैं आपके लिए और चावल ले आऊँ। भाई मैं 2 कटोरे चावल खा गया पूरे भर के, तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एयरपोर्ट चला जाता हूँ, और बस में पता नहीं अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो आपने टिकट लिया ना 293 नॉक की, ये आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट में वैलिड है आज के लिए, शायद कुछ ऐसा हुआ था अनाउंस, तो पूछ लेंगे उससे कि है नहीं है, वरना टिकट ले लेंगे। तो भाई मैंने शेड्यूल, फ्लाइट के शेड्यूल के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे जो लास्ट फ्लाइट लैंड होएगी वो है 10:20 पे, ठीक है, तो मतलब 11 बजे तक तो एयरपोर्ट खुलेगा बड़े आराम से, 11 से भी ज़्यादा ही, मतलब ये मान लो 11:30 तक। और जो पहली फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होएगी वो होएगी 7 बजे, तो 3 घंटे पहले चेक इन भी खुलता है, तो मतलब ये मान लो आप 4 बजे चेक इन खुल जाएगा, तो 4 बजे एयरपोर्ट खुलेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा चेक इन लेट ही खुलता है, 2-2.5 घंटे ही पहले खुलेगा, तो 4 बजे के करीब एयरपोर्ट खुल जाएगा। तो फ़र्क आ रहा है बस भाई 4-4.5 घंटे का। अब मेरे को नहीं पता भाई उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को बाहर फेंक देंगे क्या एयरपोर्ट से, मेरे पास कुछ भी स्टे बुक है नहीं, वो जो काउच सर्फिंग का था वो उसका रिप्लाई आ नहीं रहा, तो चलो बस में चलते हैं एयरपोर्ट। भाई ये पहुंच गया मैं एयरपोर्ट, और यहाँ पे देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं अभी तो एयरपोर्ट की पार्किंग में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई ये सारी गायब हो जाएं, क्या पता 11 बजे तक, हो भी सकता है भाई, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं चले जाएँगे घर पर। यार एयरपोर्ट तो यार 24 घंटे खुले होने चाहिए, अब कोई रात को लैंड हुए 11 बजे और सुबह की 7 बजे की फ़्लाइट हो उसकी, तो फिर भाई वो क्यों जाएगा किसी होटल, उसको यहीं पे सोना हो
होटल क्यों लेगा वो। चलो देखते हैं भाई क्या माहौल रहता है यहाँ का। आई होप, बस मेरे को मतलब ये है कि मेरे को एयरपोर्ट पे सोने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बुरे बुरे एयरपोर्टों पे बहुत बहुत देर तक सोया हूँ मैं। बस ये है कि सोने दें, मतलब बैठने दें, वरना पार्किंग भी है, मैं तो पार्किंग में बैठ जाऊँगा आके, मेरे को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर यार वो 90 यूरोज देना ना यार कुछ भी वर्थ नहीं था ना। मैं वहाँ रुकता ना सो पाता, सुबह की टेंशन की फ्लाइट 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 दिमाग में वही चलता रहता। तो बस मतलब ये है कि हाँ थोड़ा सस्ता मिलता, 300-400 नॉक का मिलता, जो कि नॉर्मल डेज में मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो मैं इजीली ले लेता। और बस की टिकट भाई मैंने उससे पूछा कि ये नारक वाली वैलिड है, उसको इंग्लिश ही नहीं आती थी अगले को। ओ ये कैसा बटन देखना, तो कुछ बताया नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कहाँ खरीदूँ टिकट, फिर भी कुछ नहीं बताया। मैंने कहा छोड़ो, बिना टिकट के आ गया मैं। तो यार इस एटीएम में से निकलवा लिए मैंने 1000 नॉक। नहीं रिसिप्ट मत दे चल कोई नहीं, क्योंकि यार मेरा ना वहाँ पे कार्ड चला नहीं है फॉरेन ट्रांजेक्शन वाला, SBI का मेरे को क्रेडिट कार्ड चलाना पड़ा अपना, जो क्रेडिट कार्ड कभी बाहर नहीं चलाना चाहिए आपको। तो कैश इज़ किंग यार, चाहे कितना ही कोई सा देश हो, कैश किंग है। ये निकल गए नॉर्वेजियन क्रोना। तो भाई एयरपोर्ट पे तो मैं आके देखो बैठा हूँ, पूरा एयरपोर्ट खाली है, कोई भी नहीं है उस तरफ भी, कोई नहीं है अब तो। एक बंदा ऊपर भी बैठा है बेल्जियम का, वो कह रहा है भाई मेरी सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है, अपनी तो 9:30 की है। पर एक दिक्कत अब मेरे को अभी पता चली है कि नॉर्वेजियन एयरलाइन से जा रहा हूँ मैं, पर वो देते तो 10 किलो सामान है, अब 10 किलो लेके जा सकते हो। पर अब आ गए हैं 3 तरह के पैकेज। 3 तरह के कैसे भाई? ये देखो, एक तो होता है भाई, ये तो चलो बिजी एयर का मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक होता है कैरी ऑन, एक होता है ट्रॉली, एक होता है चेक इन। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है कि जो आपका मतलब वो है कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब है भाई आप इसको आपको रखना पड़ेगा सीट के नीचे, वो आना चाहिए। 10 किलो का हो रख दो कोई दिक्कत नहीं है कह रहे हैं, पर आपके सीट के नीचे आना चाहिए वो। ठीक है, दूसरी दिक्कत है कि भाई मेरे पास बैग दो हुए, पर मैंने सब कुछ तो बड़े वाले बैग में फिट हो जाएगा मेरा, पर मेरे पास बैग दो हैं और वो ले मतलब ये बैग दो हैं, एक में फिट कर दिया, पर ये बड़ा है यार, सीट के नीचे नहीं जा पाएगा ये। ठीक है, तो अब मैं बैगेज ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी साइड से हो नहीं रहा, और नॉर्वेजियन का कोई भी काउंटर खुला नहीं है, उसमें लिखा रहा है गो टू काउंटर। अब 4 घंटे पहले तो यार जा ही नहीं सकता मैं काउंटर, क्योंकि पहली फ़्लाइट ही इनकी 7 बजे है। चलो क्या पता 3 बजे काउंटर खोल दे, मैं एक बार देख लूँगा। पर मेरे दिमाग में क्या प्लान आया कि क्यों ना इसमें से बहुत सारे कपड़े पहन लिए जाएं फ्लाइट से पहले, और वहाँ जाके मैं उतार दूँगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि मैं कितने कपड़े पहन पाता हूँ इनमें। पहली फ्लाइट यहाँ से जाएगी ओस्लो, 7:20 डिपार्चर, 10 बज रहे हैं अभी तो। बस अपने का तो ना अच्छा इस तरफ अराइवल है, 10:15 में भी आनी है फ्लाइट, मतलब अभी न्यू टाइम 10 बजे आएगी, आ चुकी होगी मतलब बस अब। तो भाई ये देखो, ये भी आता है यूरोप में ना लिखा हुआ, अगर आपकी बोर्डिंग डिनाई कर देती है एयरलाइन या फिर कैंसिल हो जाती है तो अपना राइट कॉम्पनसेशन सब पूछ लेना। तो हम यहीं से ले लेते हैं बोर्डिंग पास, क्योंकि भाई इस पूरे एयरपोर्ट पर ना कोई भी चेक इन काउंटर नहीं है, मतलब चेक इन काउंटर्स हैं कोई भी नहीं खुला हुआ, आपको यहीं से लेनी पड़ेगी। 24F अपडेट रिवार्ड्स नंबर नहीं, ठीक है, कंफर्म चेक इन, मिस्टर नवांकुर चौधरी, पासपोर्ट तो बैग में है, भाग के लेके आता हूँ। ये आ गया अपना बोर्डिंग पास, और इसमें देखो मैक्स 10 kg 1 bag अंडर द सीट। ठीक है भाई, देखी जाएगी अब तो जो भी है, और एरिया डोमेस्टिक लिखा है, पर मैं आपको बैठ कर समझाता हूँ कि एक तरह से आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा। कुछ ऐसा, इस स्वेटशर्ट के नीचे पहनी है 2 इनर और ये जैकेट। मेरा प्लान था कि भाई जैकेट हाथ में ले लेंगे, पर क्या वो जो हुडी थी ना वो ये पहनने का बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, तो मेरे हाथ पैर ही नहीं चल पा रहे थे। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि भाई जैकेट ही पहन लेते हैं, हुडी को हाथ में ले लेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और पैंट है ये, इसके नीचे 2 इनर है, और बस सॉक्स भी मैंने एक ही पहनी, वो तो छोटी छोटी फिट आ गई, और आ गई यहाँ पे फिट, एक जोड़ी सॉक्स और ये ग्लव्स यहाँ फिट आ गए। टोपी भी नहीं पहनी मैंने, शॉल भी नहीं पहना, वो भी इसी में फिट कर दिया, सब फिट कर दिया भाई।
सिक्योरिटी जांच करा के भाई यहाँ लेट गया मैं, ये एयरपोर्ट है और अभी फ्लाइट में है 3 घंटे आराम से। तो अभी जो ये क्या कहते हैं ट्रोम्सो टाउन है, ये है 68 डिग्री नॉर्थ में, मतलब अगर 90 डिग्री नॉर्थ हो जाए ना तो उसको कहते हैं नॉर्थ पोल पे पहुंच गए आप, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ 00 कुछ वो होता है, और तो आप उसको कहते हैं कि नॉर्थ पोल पे पहुंच गए। तो ये 68 डिग्री पे है, ठीक है। और जो हम जा रहे हैं स्वालबार्ड, उसकी कैपिटल है लॉन्गेरबीन, इसमें आप जा तो आप बिना वीज़ा के सकते हो शेंगेन वीज़ा के साथ, क्योंकि चलती फ्लाइट नॉर्वे से, तो आपका ऑब्वियसली बात है शेंगेन वीज़ा हो गई, पर शायद आ नहीं सकते क्योंकि स्वालबार्ड को शेंगेन में काउंट नहीं करते हैं, स्वालबार्ड को डोमेस्टिक फ्लाइट में काउंट करते हैं, पर आप शायद जब वापस नॉर्वे आओगे तब इमिग्रेशन होगी। यहाँ तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ अभी, तो पता नहीं अभी क्या सिस्टम है, तो बताऊँगा मैं आपको। सिंगल एंट्री के साथ जा सकते हो या फिर नहीं जा सकते। फिर भाई स्वालबार्ड जो है वो है 78 point कुछ degree नॉर्थ में, तो मतलब हम नॉर्थ पोल से सिर्फ रह जाएंगे 12 डिग्री दूर। काफ़ी ज़्यादा गैप होता है 12 डिग्री, ऐसी छोटी मोटी बात नहीं होती, काफ़ी गैप है। और स्वालबार्ड और लॉन्गेरबीन ही एक ऐसा मात्र टाउन है पूरी दुनिया में जो मतलब पूरे साल वहाँ पे लोग रहते हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, काफ़ी मतलब कंट्रीज से लोग रहते हैं, 120-130 कंट्रीज से। तो एकमात्र ऐसा टाउन है पूरी दुनिया में, मतलब नॉर्दर्न मोस्ट, जहाँ पे लोग रहते हैं पूरे साल, मतलब हैबिटेड टाउन। ऐसे तो काफ़ी सारे आइलैंड पड़े हैं जो इससे भी ज़्यादा नॉर्थ में, स्वालबार्ड में ही काफ़ी सारे हैं, पर ये है कि यहाँ पे लोग रहते हैं पूरे साल। तो भाई ये देखो अपनी फ्लाइट का आ गया गेट C-34, ये DY-396 डिपार्चर की फ़्लाइट है और सेम फ्लाइट का नंबर है अराइवल में, ओस्लो से आएगी, थोड़ी देर रुकेगी और फिर जाएगी। चलते हैं। पंगा भी अभी क्या हुआ, ये C-34 क्या है, आपको एयरपोर्ट एग्जिट करना है, भाई मेरे को फिर एंट्री क्यों दी, ये क्या मतलब है यार, अब मेरे को एग्जिट करना और दूसरे टर्मिनल पे जाना है। भाई वापस से बाहर आ गया, अब बताओ टर्मिनल सी पे जाना है अब मेरे को, ये तो अच्छा हो मैंने चेक कर लिया, वरना तो पता ही नहीं चलता। मैं वहीं पे आ गया जहाँ पे कल घूम रहा था, हे भगवान। मैं भी वहाँ सोच रहा कि यार स्वालबार्ड जाने के लिए कोई भी नहीं है। मैं नीचे उतरा, भाई एग्जिट एयरपोर्ट से, मतलब मैंने अभी सिक्योरिटी जांच करा के मैं अंदर लेटा और फिर मैं एग्जिट हो गया। भाई क्या तुम्हारी बेकार मशीनें हैं ये, मैं तो छूट जाती मेरी फ्लाइट, तो मैं तो सोचा C-34 तो यहीं पे है भाई। तो भाई मैं जैसे बता रहा था ना कि इमिग्रेशन जाना पड़ेगा, तो हाँ जी इमिग्रेशन मेरा हो गया है, और वो एयरपोर्ट मतलब अगर आप स्वालबार्ड जा रहे हो तो टर्मिनल सी पे ही आ जाना पहले ही, मतलब बोर्डिंग पास तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा पर टर्मिनल इस पे आना पड़ेगा। तो ये देखो मेरी एग्जिट की स्टैम्प ट्रोम्सो लिखा है। तो अब इसका क्या सिस्टम है भाई, स्वालबार्ड है तो मतलब नॉर्वे के अंडर, पर इसका जो आइलैंड है ना शेंगेन के अंडर नहीं आता, तो आपके पास शेंगेन का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए कि आप, अब मैं एग्जिट करूँगा शेंगेन, एग्जिट कर दिया मैंने अभी, और 3 दिन बाद जब वापस एंट्री करूँगा तो शेंगेन में दोबारा एंटर करूँगा। और दूसरी बात क्या है, मेरे से इमिग्रेशन ने पूछती मेरा नीदरलैंड्स का वीज़ा था, कहती हैव यू बीन टू नीदरलैंड, नीदरलैंड गए हो तुम, तो मैंने कहा हाँ मैं गया हूँ, कहती कब गए, मैंने कहा मेरे को याद नहीं है, 5 दिन पहले गया, तो कहती ठीक है फिर ठीक है, उसने स्टैंप लगाई और जाने दिया। तो अभी फ़्लाइट आएगी ओस्लो से, और ओस्लो से यहाँ पे 15-20 मिनट रुकती है और फिर अपनी लॉन्गेरबीन के लिए चली जाएगी, लॉन्गेरबीन ये कैपिटल का नाम है। और अभी मैंने बंदे गिने जो हमारे गेट पे बैठे हैं, बंदों की संख्या है 9, 9 तो अभी सब थोड़ी बहुत और आएंगे, 10-12 और आ सकते हैं, पर पता नहीं, चलो मेरे को लगता भी नहीं, और बैग का इतना कुछ चिक चिक करने वाला है यहाँ पे। और भाई बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट, कोई भी घंटा यहाँ पे बैग चेक करने वाला नहीं है। ये हम आ गए हैं बाहर भाई, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, ये अपना प्लेन खड़ा है, चेक नहीं किया अभी तक, और मेरे को लगता नहीं प्लेन में जाके तो कोई चेक करता है, वो है ड्रोन से। अरे भाई
भाई ये बैठ गया हूँ मैं प्लेन में और बिल्कुल कुछ भी चेक नहीं करा भाई। फालतू तो इतना मैंने कल टेंशन ली, सब कुछ चेंज किया। चलो कपड़े तो पहनने थे, ठंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो गई है और वहाँ पे भी उतरते ही पहनूंगा टाइम वेस्ट होता। चलो वो तो ठीक है, तो ये तो पता चल गया कुछ नहीं करते चेक वेक, मतलब इस रूट पे नहीं करते क्योंकि ये ऐसा रूट है यार को नहीं लेता है। तो भाई इस फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई दिक्कत है, मतलब हवा बहुत तेज चलती है यहाँ पे। आपने जैसे बाहर देखा स्वालबाड़ में भी बहुत तेज हवा भाई, मतलब 80-80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती है। तो वो गंदा कहता है 15 लोग मेरे को ऐसे चाहिए जो कि पीछे से आगे जाके बैठेंगे टेक ऑफ के लिए, उनको ले गया। मैं तो गया नहीं भाई, विंडो सीट यार बार बार थोड़ी मार रहा हूँ। हैरानी होगी कि अब हम 4 दिनों तक सूरज भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि सनराइज होता ही नहीं वहाँ पे सर्दियों में। तो अभी देखो हम अंधेरे की तरफ ही जा रहे हैं और अभी 10:30 हो रहे हैं, नहीं 10:50 हो चुके हैं और सनराइज हुआ ही नहीं क्योंकि होएगा ही नहीं भाई। कुछ नहीं खाया था सुबह से, भूख सी तो लगी थी। ये मिला 110 नॉक का, मतलब 900 रुपये मान लो आप। भाई यहाँ हो गए लैंड और हवा तो नहीं चल रही, बर्फ गिर रही है मस्त मस्त सी। बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो भाई बड़ी खतरनाक लैंडिंग थी और ये मेरे पीछे लिखा है लुफ्तावन। ये लुफ्तावन मतलब कोई होता है, इनका एयरपोर्ट कहने का मतलब होता है। और लॉन्ग भी है, बीन तो नहीं लिखा, पता नहीं क्यों नहीं होता होगा। यहाँ देखते हैं इमिग्रेशन होता है या फिर नहीं। भाई इमिग्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, सीधा पोलर बियर आ गए यहाँ, तो चलते हैं बाहर अपनी बस लेके। तो यहाँ से मैंने सुना था भाई कि बस मिलती है और टर्न लेफ्ट लिखा था इस तरफ, ये होगी बस शायद Center/Hotels। तो भाई यहाँ पे बस के ड्राइवर ने ना नाम पूछा कि किस होटल जाओगे, तो मैंने बताया उसको कि ये वाले होटल में जाऊँगा, तो कहता सेकंड बस में जाओ। यहाँ होटल के बाहर तक छोड़ के आती हैं बसें क्योंकि यहाँ पे क्या है पोलर बियर का खतरा है भाई, कि रोड पे कभी पोलर बियर आ सकता है। तो उसका एक मैप देंगे ये लोग मेरे को लग रहा है, मतलब होटल वाले, कि ये एरिया जहाँ पे सेफ है। यहाँ पे उतार दिया है बस ने और आपको दिख नहीं रहे होंगे यार वहाँ पे पहाड़ हैं, थोड़े से दिख रहे होंगे शायद वहाँ पे, देखो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, पूरी बर्फ है। और अपने गेस्ट हाउस में 1, 2, 3, 4 जने उतरे हैं, मतलब काफ़ी सस्ता यही है भाई ये वाला गेस्ट हाउस है ना अपना। और चलते हैं अपने सबसे पहले पहुँच के ही चेक इन कर लेते हैं। ये वाला बताया उसने शायद बस वाले ने, भाई बिल्कुल अंधेरा है यार। मेरे को थोड़ा लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी लाइट होगी सूरज की वजह से, भाई बिल्कुल ही अंधेरा है यहाँ तो। भाई अभी है नहीं ये अपना नवांकु चौधरी के नाम से रूम, पता नहीं क्या लिखा अभी है। अभी ये रिसेप्शन बंद होगा, थोड़ी देर में खोलते होंगे
चेक द रियल अरोरा रियल टाइम एक्टिविटीज यूजिंग दिस QR कोड। ओके, रूम पे पहुंच गया हूं मैं। अभी तो कोई भी नहीं है रूम पे, चार पांच जने आए हैं, क्या पता वो हों, और भी फ्लाइट्स आनी है। तो रूम नंबर तो यही है, पर बेड नंबर यार कहीं पे भी नहीं लिख रखा। मैंने तो नीचे वाला घेर लिया, देखी जाएगी, होगा तो कह दूंगा भाई नीचे वाला चाहिए। ये है अपना गेस्ट हाउस, मतलब इसे प्राइवेट रूम भी है और मतलब बंक बेड टाइप रूम भी। और भाई कितने सारे जूते रखे हैं यहाँ पे, मतलब इतने सारे गेस्ट हैं अभी भी रूम में। और ये रहा पोलर बियर। भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, पता नहीं एक वीडियो बन गई, दो वीडियो बन गई आने की, मेरे को कुछ पता नहीं चला क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी यार। पहुँच गए यार, बेड बना रहा था अभी। थोड़ा यूरोप में भी सिस्टम है कि आपको बेड खुद बनाने पड़ते हैं, और कंबल पे भी चादर चढ़ानी पड़ती है, तकिए पे भी, बेडशीट भी। तो बना लिया मैंने, और मैं नहीं नहाया भाई, बताऊँ कब से, डेनमार्क से नहीं नहाया मैं। डेनमार्क सुबह निकला था मैं, स्टॉकहोम पहुंचा तब नहीं नहाया, स्टॉकहोम से नार्विक पहुंचा तब नहीं नहाया, नार्विक पे तो बस ली ट्रोम्सो तक तब नहीं नहाया, ट्रोम्सो से फ्लाइट ली, वो तो एयरपोर्ट पे सोया था तब नहीं आया। तो अभी नहा लेता हूँ पहले जाके। आपको लग रहा होगा भाई कि पागल है, इतनी रात को नहा रहा है। भाई अभी टाइम बताऊँ तो आपको, दोपहर के 12 बज रहे हैं ये। अगले चार दिनों तक ये व्यू है अपना।